हेलो दोस्तों, सामुंडा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो एक महुआ से MI का 32 इंच LED TV रिपेयर होने के लिए आया है दोस्तों। तो मैं यहाँ से ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने लाइन दे दिया है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे इसे हमें ऑन करना पड़ेगा यहाँ से। तो अभी देखिए, यहाँ से ऑन करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे LED हमारा ब्लिंक कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे LED चालू हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ पहले। तो इसमें देख सकते हो हमारा सेट ऑन तो होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा बैक लाइट जलना चाहिए वो भी नहीं जल रहा है। और यहाँ पे इसे खोल के देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत इम्पोर्टेड मिलने वाला है, क्योंकि आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो, क्योंकि ये कम ही देखने को मिलेगा आपको। तो मैं फटाफट से खोल लेता हूँ इसे। तो अभी यहाँ पे इसका मॉडल नंबर दिया है L32M5, यहाँ पे देखिए A। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसे मैं कवर को यहाँ से हटा लेता हूँ। तो घुमा फिरा के मैं बात नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे पहले मैं आपको वोल्टेज सभी दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बैकलाइट नहीं जल रहा है दोस्तों। और यहाँ पे जो हमारा डिस्प्ले है वो आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है। तो इसका ऑडियो सही सुनाई दे रहा है। तो बैकलाइट का पहले मैं बोल देता हूँ कि बैकलाइट का इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो बैकलाइट भी चेक करवा दूंगा। तो पहले मैं यहाँ पे आपको सारे वोल्ट चेक करवा देता हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी ऑन कर दिया है वहाँ से स्विच से, लेकिन हमें यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे वोल्टेज देखता हूँ तो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से अभी स्टैंड बाय रिलीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैं स्टैंड बाय को यहाँ से रिलीज करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे LED हमारा ब्लिंक कर रहा है। तो अभी सेट ऑन हो गया है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, बैक लाइट हमारा नहीं जला है। तो पहले वोल्टेज इसका देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पे दूसरा है, तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो में आप बने रहना। और नए है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे नए नए वीडियो आते रहते हैं। तो सबसे पहले 5 वोल्ट यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12 वोल्ट में यहाँ पे आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे मल्टीमीटर में आपको यहाँ पे लाइट यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट बनेगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पे चेक करवाता हूँ, तो देखिए। और यहाँ पे मल्टीमीटर में मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी ऑडियो भी हमें सुनाई दे रहा है, तो आपको एक बार सुना देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो अभी कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैंने हटा दिया है। तो यहाँ पे आप फोकस कीजिए। तो यहाँ पे अभी 12 वोल्ट देख लिया। तो यहाँ पे मल्टीमीटर में मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, तो 5 वोल्ट यहाँ पे देख सकते हो, परसेंट ओके। और यहाँ पे दूसरी सप्लाई, यहाँ पे 1 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। तो ये यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देख सकिए 9, तो 1 वोल्ट ओके है। यहाँ पे भी इतना आना चाहिए 1 के आसपास के करीब में, तो 1.1 वोल्ट दोस्तों, ये वोल्टेज सही है। तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे भी 1.8 वोल्ट, तो ये सप्लाई यहाँ पे देख सकते हो, ये भी ओके। तो अभी हमें क्या, यहाँ पे 1.2 वोल्ट की दोस्तों इस यहाँ पे IC पे यहाँ पे हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, 1.2 वोल्ट ही करीब में ही मिल रहा है। और यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, तो देखिए। और मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं। तो अभी दोस्तों, अभी क्या है, तो अभी ए वोल्टेज यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट ओके है। तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई बनती है। तो यहाँ पे ये भी यहाँ पे हमारा बन रहा है, देख सकते हो। अभी यहाँ पे हमें दोस्तों VCC 12 वोल्ट यहाँ पे पैनल के लिए जाता है, वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मल्टीमीटर में मैं यहाँ पे दिखा दूँ, तो देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो आपके मैं आपको मैंने सभी वोल्टेज दिखाया, लेकिन अभी प्रॉब्लम यहाँ पे हमें समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 12 वोल्ट नहीं बन रहा है। तो दोस्तों ये MI के सेट में जब यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं बनेगा, तो यहाँ पे हमारा जो ये भी काम नहीं करेगा बैकलाइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे मैं पूरी तरीके से खोल लेता हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे सेट को ऑफ करना पड़ेगा। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाने के लिए, तो इसका जो सर्किट है वो यहाँ पे PCA लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसे हमें हटाना पड़ेगा।
तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखो तो देख सकते हो, ये यहाँ पे आपको मैं एक बार यहाँ से ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ से ऑन कर लिया मैंने और सेट ऑन कर देता हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट बनना चाहिए पैनल के लिए, VCC वोल्ट। तो यहाँ पे मल्टीमीटर में देख सकते हो, और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे 12 वोल्ट बन रहा है इस तरफ देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये स्विच की तरह काम करता है। तो ये अभी यहाँ पे डायरेक्ट 12 वोल्ट यहाँ पे हमें दोनों तरफ मिल रहा है। तो यहाँ पे एक मैं इसे दोनों जो मॉस्फेट और ट्रांजिस्टर है उसे निकाल देता हूँ, और यहाँ पे जो बक कन्वर्टर हमारे पास आता है उससे हम मॉडिफिकेशन करके यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई बनाएंगे, और उसके बाद में देखते हैं कि भाई हमारा यहाँ पे LED ऑन होता है या नहीं। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा दोनों पे पेस्ट लगा लेता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे आपको, तो मैं पहले जो हमें बक कन्वर्टर जो आता है ना उसका आपको मॉडल नंबर दिखाता हूँ, उसके बाद में इसका वायरिंग करेंगे वो देखेंगे। तो अभी इसे मैं साइड में यहाँ पे रख देता हूँ, देखिए यहाँ पे साइड में रख दिया। तो अभी मैं पहले आपको जो हमारा बक कन्वर्टर मॉड्यूल है 1.2 वोल्ट 3.3 वोल्ट निकालता है उससे हम 12 वोल्ट से इनेबल करके यहाँ पे 12 वोल्ट इन करेंगे। तो इस पॉइंट पे हमें 12 वोल्ट VCC यहाँ पे देना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस बक कन्वर्टर से हम यहाँ पे जो वोल्टेज निकालेंगे तो यहाँ पे 12 देंगे इन, तो यहाँ पे 12 वोल्ट स्विच की तरह काम करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो 1235 इसका हमारा नंबर, ये मॉड्यूल है उसका। तो अभी दोस्तों मैं आपको इसका सारा प्रॉपर वायरिंग करके दिखाता हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो बोर्ड के हिसाब से यहाँ पे प्लस पे माइनस वोल्ट दिया है, और यहाँ पे प्लस माइनस पे प्लस वोल्ट दिया है। तो दोस्तों एक रेजिस्टेंस यहाँ था तो हमने उखाड़ के फेंक दिया, उसकी जगह पे हमने 4.5K का 7K का जो रेजिस्टेंस आता है वो यहाँ पे लगा दिया। और यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी था, तो ये भी हमने यहाँ पे 75K का ये रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे ये इनेबल के लिए ये हमने लाइन यहाँ पे निकाला है, और दो ये 12 वोल्ट के लिए और ये VCC के लिए। तो VCC वोल्ट में पहले यहाँ पे देखता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मैं जो ये पॉइंट है तो वहाँ पे हमें 12 वोल्ट की जो पैनल में जो सिग्नल जाता है तो वहाँ पे बताना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे देख सकते हो, तो अभी मैंने यहाँ पे इसे यहाँ पे सोल्डरिंग कर लिया है और जम्पर लगाया है। तो अभी यहाँ पे मैं बीप की रेंज में यहाँ पे पहले बोर्ड को हमें पलटना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी यहाँ पे देखिए इसे मैं पलट लेता हूँ, और यहाँ पे इसे फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद में यहाँ पे पहले फिक्स कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट यहाँ पे बनेगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए अभी मैंने फिक्स कर लिया है। तो ये YouTube में मेरा जो अच्छा वीडियो मैंने आज तक नहीं बनाया है, तो ये YouTube में पहली बार मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से मैं इंटरनेट पे कर लेता हूँ। तो आप जो वीडियो अच्छा लगे ना तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि जो नए लोग हैं वो हमसे जुड़ना चाहते हो सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे हमने जंपर कर दिया था उस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ से हमें 12 वोल्ट लेना है। तो यहाँ पे देखिए अभी बीप यहाँ पे मिल रहा है देख सकते हो, यहाँ पे देखिए। तो अभी यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे 12 वोल्ट से वहाँ से हमें यहाँ पे यहाँ इन कर देता हूँ, देखिए इन कर दिया। तो अभी ये वाला बचा, तो अभी बोर्ड हमें यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अभी यहाँ पे इसका जो हमारा LVDS केबल है उसे मैं सही से ठीक कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे महुआ से आया, तो ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो मैडम है ना वो पोस्ट में काम करता है, तो वहाँ पे हम जो माल लेके जाते हैं सामान दूसरे बंदे का होता है, तो उसने पूछा कि भाई मुझे भी LED रिपेयर कराना है। तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पे महुआ से LED यहाँ पे आया है।
तो अभी दोस्तों यहाँ पे फिलहाल यहाँ से देखिए ऑन करता हूँ, आपको यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे ऑन करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे 12 वोल्ट दोस्तों नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे 3.3 वोल्ट हमें देना पड़ेगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पे हमने इनेबल अभी देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हो यहाँ पे हमारा टीवी चालू हो चुका है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे इनेबल हमें ढूंढना पड़ेगा। तो आपके सामने रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों। तो आप बैकलाइट के पीछे भागते हो क्योंकि बैकलाइट ख़राब है, डिस्प्ले नहीं आया तो EMI में ऐसा नहीं है। तो अभी हमें एक 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे जो इनेबल होती है, तो ये हमने यहाँ पे देख लेता हूँ कहाँ से मिलेगी। तो ये तो 1 वोल्ट हो गया, यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे जो देखता हूँ एक बार यहाँ पे जो बैकलाइट की है तो यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे मिली दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे लगा लेता हूँ पहले, और यहाँ से सेट को ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें कभी भी जो हमारा 12 वोल्ट है और डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने यहाँ पे जम्पर लगा दिया है, तो अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऑन नहीं हो जाएगा। तो पहले तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हमने यहाँ पे लाइन दे दिया है, तो अभी यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दिखा दूँ तो यहाँ पे 12 वोल्ट यहाँ पे प्रेजेंट होके मिल रहा है, देख सकते हो, और मल्टीमीटर में। तो अभी यहाँ से ऑन करता हूँ, तो अभी यहाँ पे देखिए, तो जब यहाँ से ऑन करता हूँ तभी यहाँ पे हमारा यहाँ पे इंडिकेटर जलेगा। देखिए इंडिकेटर जला, और यहाँ पे देख सकते हो EMI लिखा हुआ आ चुका है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे देख सकते हो अभी मैं यहाँ पे आपको वीडियो लगा के प्रॉपर दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पे हमारा विंडो खुल रहा है, तो अभी यहाँ पे देखो तो मैं यहाँ पे ऑडियो नहीं चला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।